हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंडम स्टफ स्टडी। कल हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। लास्ट में हम लोगों ने देखा था टू टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल वाला हम लोगों ने देखा था कि जो एल्वेलोई और ब्लड्स के बिटवीन होता है गैसेज के एक्सचेंज, उसको एक्सटर्नल कहते हैं, जबकि जो ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है उसको इंटरनल कहते हैं। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जब भी आपकी स्किन से कुछ कटफट जाता है तो आप लोग देखते हो कि जब भी हमारी इंजरी वगैरह हो जाती है तो हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो खून फ्लो होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? खून कहते हैं। ठीक है, तो अब सुना बच्चों, ब्लड किस कलर का होता है? तो ये कॉमन सी बात है, हमारा ब्लड किस कलर का है? रेड कलर का है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड का टेस्ट कैसा है बच्चों? तो ब्लड का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा हल्का सा बेस टाइप का होता है। ठीक है, कड़वा हम बोल सकते हैं। ठीक है, बीटर होता है। कैसा होता है? बीटर होता है इसका टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ठीक है, और ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। कितने परसेंट? 70%। किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड की नॉर्मल से नॉर्मल जो हमारी इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग का, वो ये है कि ब्लड को खून कहते हैं, आपको पता है। ब्लड तुम्हारी बॉडी से जब इंजरी हो जाती है तो फ्लो होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ब्लड 7.4 है, इट मीन्स उसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। और उसका टेस्ट कैसा हो गया? कड़वा हो गया। और इसके अलावा कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो एफ ए आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ब्लड कहते किसको है? तो ब्लड क्या है? एक सरल संयोजी उत्तक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है बच्चों? फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, जो तुम्हारी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ब्लड के कितने पार्ट हैं? तो ब्लड के दो पार्ट है, या ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर तुम्हें कोई पूछ ले तो ब्लड के दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम क्या है? प्लाज्मा, और दूसरे भाग का नाम क्या है? ब्लड सेल। ठीक है, तो ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहले का नाम क्या है? प्लाज्मा, और दूसरे का नाम क्या है? ब्लड सेल। ठीक है, अब देखना बच्चों, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है लिक्विड फॉर्म में, जबकि ब्लड सेल कैसी होती है? सॉलिड फॉर्म में। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, और ब्लड सेल जो होती है वो 45% होता है। ये थोड़ा परसेंटेज भी याद रखना। नेक्स्ट बच्चों, प्लाज्मा के कितने पार्ट होते हैं? तो प्लाज्मा के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम क्या है? वाटर, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, अब देखना बच्चों, इनका कितना परसेंटेज है? तो वाटर जो होता है वो 92% है, किसी किसी बुक में 90% भी लिखा हुआ होता है। जबकि ऑर्गेनिक कितने होते हैं? किसी बुक में तो 8% होता है और किसी बुक में 10% लिखा हुआ होता है। तो हम दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। कितने परसेंट होता है? 55% होता है। प्लाज्मा के कितने पार्ट है? प्लाज्मा के दो पार्ट है, पहला है वाटर और दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? अब ये क्वेश्चन आ गया कि भाई कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व किसको कहते हैं? तो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जिसके अंदर कार्बन एब्सेंट है वो क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी बॉडी में ये जो तुम फैट और प्रोटीन वगैरह, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट है, ये कुछ न्यूट्रिएंट है जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो तुम्हें एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जब हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन किससे बनाया? भाई दो चीजों से मिलकर बनाया है। पहली चीज क्या है? वाटर, और दूसरी चीज क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वाटर कितने अमाउंट के अंदर है? 90% है। यहाँ पर 8-10% है। ठीक है, जो बुक्स में अलग अलग आता है तो हमने दोनों इंक्लूड कर लिया है। आगे हम लोग चलते हैं ब्लड सेल। देखो कहीं कहीं पे इनको कार्पल्स भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ब्लड सेल के आगे कहीं कहीं पे आप लोगों को एक वर्ड और नजर आएगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आपको नजर आएगा कार्पल्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, कार्पल्स क्यों नजर आएगा कहीं कहीं पे? जस्ट बिकॉज ऑफ इनको हम पूरी तरह सेल की कैटेगरी में नहीं रख पाए, इसलिए कहीं कहीं पे आपको ब्लड सेल और कहीं कहीं पे आपको कार्पल्स देखने को मिलेगा। ब्लड सेल कैसी होती है? सॉलिड होती है और 55% होती है। ब्लड सेल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट का नाम है आरबीसी, दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड का नाम है प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है बच्चों, अब सुनना, इनके बारे में डीपली स्टडी हम लोग बाद में करेंगे, आज हम स्टार्टिंग में इनके बारे में नॉर्मल करेक्टर देख लेते हैं जो हम जल्दी लर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल, और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल। हम रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं और व्हाइट ब्लड सेल भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब सुना बच्चों, इनमें थोड़ा सा हम आज थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के अंदर, उसके बाद में हम लोग डीपली स्टडी इनकी कल करेंगे। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये क्या है भाई, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। नेक्स्ट, आरबीसी 120 दिन तक उसका लाइफ स्पैन है, मतलब वो कितने दिन तक जीवित रहती है, 120 दिन तक रहती है, जबकि डब्ल्यूबीसी कितनी है, 2 से 3 डेज तक उसका लाइफ स्पैन है, मतलब जीवित रहने का काम है। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो करता है, मतलब लाल अस्थि मज्जा के द्वारा फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है, लाल अस्थि मज्जा कर रही है, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। अब सुनना बच्चों, एक चीज और याद रखना, आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, वो क्या होता है बच्चों, अब्सेंट होता है। केंद्रक क्या होता है आरबीसी के अंदर, अब्सेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट। एक और चीज याद रखना बच्चों, आरबीसी के अंदर अपवाद के रूप में अगर आप पढ़ना चाहो तो अपवाद है कैमल, ठीक है। कैमल की आरबीसी के अंदर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैमल की आरबीसी के अंदर क्या है, केंद्रक प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों, एक अपवाद है। तो आज हम लोगों ने इनके नॉर्मल क्या है, दोनों को डिफाइन किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड हो जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उसका कलर व्हाइट होता है। आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है, जबकि डब्ल्यूबीसी 2 से 3 दिन तक जीवित रहती है। आरबीसी जो होती है उसका फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो करती है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो करती है। इवन हम लोग जब प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो ही करेगी। आरबीसी के अंदर केंद्रक क्या है, अब्सेंट है, जबकि डब्ल्यूबीसी में के अंदर न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या है, प्रेजेंट। अपवाद के रूप में अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो कैमल की जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे।